जी जनाब, इस वक्त हमें अहमद ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, वेलकम टू आर शो। पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, मुझे बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वियतनाम में? थैंक यू सो मच जी। मेरा वियतनाम में मैच था एशियन डेवलपमेंट टूर का। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल विन थी और बड़ा एक अच्छा एक्सपोजर था और बड़ा कुछ सीखने के लिए मिला। एक आउट ऑफ कंट्री और नो, हमारे इधर वो जो रिक्वायरमेंट चीजें नहीं मिलती वो वहाँ पे मिली, तो एक बड़ा एक अच्छा मेरे लिए इवेंट रहा ये, माशाल्लाह। अच्छा अहमद, ये बड़ा मुख्तलिफ खेल है और कहा जाता है कि बड़ा शाहाना किस्म का खेल है। महंगा खेल के साथ साथ सबसे ज्यादा जो चीज़ है वो लोगों के पैशंस जो है वो बड़े कंट्रोल होते हैं और बड़ी कहते हैं लीडर्स के खेलने की ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि खासा रुझान बढ़ गया है बाहर और यहाँ, जब आप इंटरनेशनल गोल्फर्स के साथ खेल रहे थे, फ़र्क क्या आपने महसूस किया? बेसिकली गोल्फ महंगी है पाकिस्तान में, इवन पूरे दुनिया में गोल्फ बहुत महंगी है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इसको। बट ज़्यादातर कंट्रीज में एशिया में काफ़ी नो वो एक उनके वो प्लेटफॉर्म बने होते हैं, अकेडमीज बनी थी जहाँ से उनके बच्चे सीखते हैं। जी हाँ, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। तो हमारे पास जैसे मुझे जो जिन चीज़ों का फेस करना पड़ता है बाहर जाके, वो जैसे ग्राउंड हो गया, ग्राउंड का ग्रीन, फेयरवेज, बंकर, सैंड, सब उनका, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे जो बाहर ग्रीन, जो नेक्स्ट लेवल के ग्रीन होते हैं। तो बस इन चीज़ों का थोड़ा सा होता है, बट वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपका माइंड सेटअप अच्छा है तो आप जल्दी पिक कर लेते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, वैसे अहमद मुझे ये बताएगा कि अभी हम रुझान देख रहे हैं कुछ बढ़ रहा है, आपके ख्याल में क्या वजह है कि पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो अगर क्रिकेट में देखा जाए तो एमएमए की तरफ जाते हैं, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, फुटबॉल को करते हैं, क्या सिर्फ महंगा होने की वजह से ये शौक कम है नौजवानों में या अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर इसकी तरफ रुझान कम क्यों रहा? बिल्कुल ऐसे ही है जी, गोल्फ बड़ी महंगी गेम है। क्रिकेट में देखें, आपने आपको कोई इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, आपने बैट लेना है, बॉल लेनी है और आप खेल सकते हैं। और गोल्फ में आपको इसकी 14 स्टिक्स होती हैं, एक पूरा गोल्फ बैग होता है, अंदर 14 आयरन होती हैं, फिर बॉलें, ग्लव, यू नो सब कुछ। तो गोल्फ ज़रा एक्सपेंसिव भी है, इसीलिए लोग खेल नहीं सकते। और मसला ये है कि गोल्फ क्लब में एंटर होने के लिए आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो मेंबरशिप यहाँ पर ऐसे ही नहीं मिलती, वो आपको लेनी पड़ती है, वो 15-15, 20-20 लाख रुपए एक्सपेंसिव तो है। अच्छा अहमद, वैसे बड़ी मजे की बात, एक मजे की बात मैंने आपसे पूछनी है ना, लाइटर नोट, वो लोग जो गोल्फ नहीं जानते या जो कभी खेले ही नहीं है, वो मेरी तरह के लोग ना, वो ये सोचते हैं कि जब ये शॉट लगता है तो ये कैसे इतनी दूर होल में बॉल चली जाती है। बिल्कुल जी, ये बड़ा एक बड़ी प्रैक्टिस होती है और ये इसका गोल्फ ऐसी है कि आप डेली प्रैक्टिस चाहिए इसके साथ, इवन हर स्पोर्ट्स के साथ चाहिए, बट गोल्फ में है कि आपके पास 14 आयरन हैं, तो उनमें सब के साथ आपने अपने आप को परफेक्ट करना है। एग्जैक्टली, तो ये फिर सबसे बड़ी बात है कि मौसम को लेके, हवा को लेके, किस तरह से कैसे खेलना है। जी, ये भी मैं देखता हूँ गोल्फर्स दोस्तों में, वो बड़ा इस इम्पोर्टेंट। लेकिन हमें ये लेक्सस जो टूर्नामेंट, ये चैम्पियनशिप थी, इसके हवाले से बताइएगा कितने ममालिक के यहाँ लोग मौजूद थे और आपने वहाँ पर टाइटल जीता है? ये इधर सारे एशिया से आते हैं, टूर इसका नाम है। सही, और ये जो मैं टूर खेलता हूँ, और इस पे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम के भी थे, और काफ़ी काफ़ी जो थे जो यूरोप से भी, 2-3 यूरोप कंट्री से भी आए हुए थे। तो इसमें समझ लें पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए थे, अमेरिका से भी एक आधा आया हुआ था, तो इस तरह, बट ज्यादा एशियन ज्यादा थे ये सारे बांग्लादेश। अच्छा, तो अहमद आप मुझे ये बताएगा कि हुकूमती जो सपोर्ट है वो क्या रही थी भी या नहीं थी कुछ इस हवाले से? अहमद आप हमें सुन सकते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ गवर्नमेंट लेवल पे कुछ सपोर्ट है भी या नहीं? आई थिंक वो कनेक्शन में प्रॉब्लम है, या तो हम फिर से कांटेक्ट करें। जी जी अहमद, आपको आवाज आ रही है? अहमद से हमारा रابطہ जो है, आवाज शायद डिस्कनेक्ट हो रही है। अब बहुत शुक्रिया अहमद, आप बहुत मुबारक, आप ने जबरदस्त कामयाबी और इसी तरह से कामयाबियां समेटते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।